हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मिर्स में जाने चम, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर से होंगे। पहली बात ये कि जो जो भाई चैनल पे न्यू है मोटर सीधा कर, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके आल के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि मेरी हर न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस बंदे को कौन जानता है, इसको कोई जानता है नहीं जानता, जो जानता है कॉमेंट करना। अच्छा तो कल का मैंने व्लॉग बनाया था ये बाइक का ब्रैकेट का, तो आज मैं ब्रैकेट लगवा आया हूँ, ये चेक करो। बताओ जिस जिस भाई को ब्रैकेट पसंद आए तो सही बनी है ख़राब बनी है कैसी बनाई बनी है, ये देखो ये देखो ख़राब बनी है, ये शानवाज बोल रहा है ख़राब बनी है। अब आप सब बताओ इसको, बताओ कि ब्रैकेट कैसी बनी है, ख़राब बनी है मेरे से पूछ। अच्छा तो उम्मीद रखो, अच्छा उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर से होंगे। तो पहली बात मैंने बता दी, तो चैनल को यार आप लोग आगे शेयर नहीं करते, मैं नोट किया, सिर्फ जो जो भाई ने सब्सक्राइब किया हुआ है वही लाइक करते हैं, वही फॉलो करते हैं, व्यू मतलब देते हैं। कोशिश किया करो मेरी हर न्यू से न्यू वीडियो व्हाट्सएप पे लगाया करो, तो आप व्हाट्सएप पे लगाओगे तो मेरा अकाउंट आगे चलेगा। हम आपके लिए कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं, आपको व्हीलिंग के तरीके बताते हैं, और आप लोग हमारी वीडियो स्टेटस नहीं लगाते। जो जो प्यार करते हैं, प्यार करने वाले सब फ़ैन, वीडियो स्टेटस लाजमी लगाया करो। तो अच्छा आज का तरीका आपको शानवाज बताएगा व्हीलिंग का, शानवाज से भी कोई ट्रिक पूछते हैं, कोई ट्रिक पूछ बताओ इनको व्हीलिंग के बारे में, बैलेंस बनाने के बारे में, बाइक साइड मारती है, उसके अलावा फ्लाइंग का तरीका आज का तरीका शानवाज बताएगा आप सब भाइयों को। जो भी बताए, एक बताए, दो तरीके बताए, तो आपको शानवाज तरीका बताएगा, और वही तरीके आपने यूज़ करना है, उसी तरीके पे आपने चलना है। और मेरे तरीके भी आपने सुने, आप शानवाज के तरीके सुनो। आप तरीके ये है, सबसे पहले आप ब्रेक पे अपने ब्रेक पे फोकस बनाओ, फोकस, इसके बाद आप आओ रेस पे। दूसरा ये कि आपने रेस पे फोकस बनाना है, ठीक है। तीसरा ही नंबर की बात आई फ्लैश पे, मतलब जिसम अपना कंट्रोल रखो पूरी बाइक पे, उनका बैलेंस सीधा रखो जिसम का। कहने का मतलब ये कि आपका बैलेंस सीधा होना चाहिए बाइक पे, अगर आपका बैलेंस सीधा नहीं होगा तो आपकी बाइक साइड मारेगी, आपकी बाइक साइड मारेगी, आप गिर जाओगे। तो ये ट्राली आ रही है, ट्राली गुजर जाए तो फिर इसके बाद बताता है कुछ और तरीके आपको बताता है। अच्छा तो तीसरा तरीका इसने बताया कि अपना बैलेंस, उसके अलावा फ्लाइंग का तरीका बताया इनको। फ्लाइंग का ये है यार, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी टाइम लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा यार जानी भाई के पास आओ आप, प्रैक्टिस पास आके ना, अगर जानी भाई प्रैक्टिस नहीं देगा तो मेरे पास आओ, देखो इतना कर सकते हैं, प्रैक्टिस दूंगा ये, इतना कर सकते हैं, एक हफ्ते में आपको प्रैक्टिस दो दूंगा। फ्लाई पे आप गेम करो, चेंजिंग भी करोगे, फ्लाइंग पे गेम भी करोगे, तो एक हफ़्ता प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी आपको। जब एक हफ़्ता आपने, मतलब बात सारी प्रैक्टिस पे होती है, जब आपकी प्रैक्टिस, आपके पास ब्रेक भी फोकस नहीं है, रेस भी गोडे पे भी फेक, मतलब फोकस नहीं है, मेरे पास आओ। हाँ। मैं आपको फोकस दिखाऊंगा, सब तरीका बताऊंगा, तरीका करके बताएगा, और हुक्म इतना कर सकते हैं आप लोगों को। तो ये बंदा आया हुआ है हमसे गेम सीखने, ये चेक करो किधर से आए हो, पिंडी से किधर से आए हो, लल्लू वाली मोरी से आया है। अच्छा तो देखो जो मैंने तरीके बताए वही तरीका है, बाकी मेन होते हैं हम मुंह से बता सकते हैं, तो बंदा पकड़ के कोई नहीं करवाता, सिर्फ मुंह से ही बताता है, तो हम ही मुंह से बता रहे हैं। आप सिर्फ आप इस पे अमल करो, और कोई चक्कर ना करो, अमल करो कि इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे आपकी गेम फिट बन जाएगी, सही है। इसके अलावा अब कुछ नहीं कह सकते, अब शानवाज ने भी आपको बता दिया है। तो ये देखो ये अब बाइक देख लो, बाइक आज सब ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ करवाया, आयल वगैरह डलवाया, ब्रैकेट भी बनवाई है, सर्विस वगैरह नहीं कराई क्योंकि टाइम नहीं था, तो सर्विस वगैरह इंशाल्लाह कल करवाएंगे। टैंकी भी बननी दी हुई है, टैंकी भी कल नहीं बल्कि 3-4 दिन बाद बन आएगी। हाँ चुप। अच्छा तो कुछ बंदे व्लॉग ख़राब करते हैं, बोलते हैं ये खड़े हुए हैं। अच्छा तो उसके अलावा बाकी और क्या बताएं आपको, आज मैं उसकी ब्रैकेट की वीडियो बनानी थी, ब्रैकेट के साथ साथ, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट बन रही थी ना शोर बहुत था, तो फिर ब्रैकेट सही नहीं बनी, और बल्कि व्लॉग सही नहीं बना, सही बन गई ब्रैकेट, है ना, पसंद है ना बच्चों को क्या। अच्छा ये बोलता है ब्रैकेट सही नहीं है, वजह बता, ये ब्रैकेट की मुझे ना समझ नहीं आती, ये देखो जैसे आपकी करते ब्रैकेट, मेरी बात सुनो सब भाई, जो जो देखते हैं
कमेंट करके बताना शानवाद को या मुझे कि ब्रैकेट सही ब्रैकेट ये पसंद आ सब भाई बताओ हमें। हाँ ब्रैकेट सही है तो या सही नहीं है? नहीं यार मैंने इसको बोला है शानवाद को पसंद नहीं है बाकी सबको पसंद है ब्रैकेट। तो आप सब भाई कमेंट करके बताना ब्रैकेट सही है या सही नहीं है। मैं इस वीडियो के ना मैं सब कमेंट पढ़ूंगा, पहले मैं वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ता था, इस वीडियो के मैं सब कमेंट पढ़ूंगा। ओ देख इसका सिर नजर आ रहा है, बंदा नहा रहा है वो देखो बंदा नहाने नहा रहा है, ये बहुत बड़ी नहर है नजर आ रहा है। ये देखो ये एक और दो बंदे आ गए हैं, इनको जो जो जानता है कमेंट में लाजमी बताना, ये चेक करो ये। अच्छा एक और आपको तरीका बताऊं, अच्छा मैंने आपको बताया था ना लाइट का, लाइट नीचे करने का तरीका, आओ फिर लाइट नीचे हुई हुई लाइट आपको बताते हैं। जो लाइट मैंने आपको बताया था ना तरीका, वही तरीका मैंने कहा था ना नीचे नट लगाना है या जो भी करना है लटर फटर। पहले मेरे मोटरसाइकिल चाबी दे, लड़के को मैंने बाइक दी थी चाबी लेके साथ चला गया था, अभी आया चाबी लेने, ये चेक करो चाबी मेरी इसके पास थी, मैंने चाबी ले ली है मोटरसाइकिल मामू से हट लाऊं। वो मोटरसाइकिल वो ट्राली में नहीं पिया, मजाक भी ना कर अल्लाह के बंदे, मजाक भी ना कर पागल है ये इतनी वो आ रहा है बंदा। अच्छा मैंने आप लोगों को तरीका बताया था उसका ब्रैकेट लाइट के नीचे नट रखने का, आवाम बहुत आगे शोर आ गया, ये चेक करो ये देखो ये सब ये नहर की इंजॉय करें, ये देखो वो बंदा आ रहा है नहर में, दिखाता हूँ आपको करीब आ जाए तो ये ट्रैक्टर ट्राली आ रही है ये गुजर जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइट ऊपर करने का तरीका। ये साइड पे हो जाओ, ये चेक करो ये नीचे रख नट रखा हुआ है, ये देखो ये नीचे नट रखा हुआ है, इतना नट रखने आपकी लाइट देखो कितनी पीछे आ गई है, यहाँ पे गेम हो जाती है आराम से। वैसे जेन्युइन साथ मिली होती है, ये तरीका है नट रख दो बिल्कुल आपकी मतलब कि लाइट नीचे चली जाएगी, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी गेम VIP हो जाएगी। अब ये चेक करो ये बहुत बड़ी नहर है, ये बंदा नहाता हुआ आ रहा है नहर में, वही ये पागल है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, पागल जाने दो ये आगे जाएगा, ये चेक करो ये बंदा पागल है, ये आ रहा है पीछे वो ये आ रहा है, ये देखो ये बड़ी दूर से इसने बड़ी दूर से छलांग लगाई होगी ये। हाँ हाँ तो इसने बड़ी दूर से छलांग लगाई होगी, ये देखो ये आ रहा है फीका है इसका नाम। ओए तमीज होंदी है कोई, ये जा करो के तक वैसी पिका के तक वैसी बस पहुंच गई क्या है? तो ये चेक करो ये पुल के नीचे गुजर गया वो जा रहा है, ये जाता जाएगा पता नहीं कहां तक जाएगा, बड़ी दूर से आ रहा है बड़ी जो जो बंदे करीब के उनको पता ही है अब्बासिया नहर है, इसका घर है यहां से तकरीबन बहुत पीछे, उधर से छलांग मारता है कर रहा है ना, ये में चला जाता फिर पैदल चल के चला जाएगा, ये देखो वो जा रहा है यार बड़ी बात है। अच्छा तो इसके अलावा आज का मैंने तरीका बता दिया ब्रैकेट वगैरह ये वो सब लटर फटर, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आप सबको ना कोई न्यू चीज़ बताऊँगा, बाइक की टैंकी लगवाया तो टैंकी के बारे में या कोई और मालूम कल बताऊँगा। तो मेरे उम्मीद करता हूँ और शानवाद में मैंने जो बहस की है ना ब्रैकेट के बारे में, आप सब कमेंट में लाजमी बताना कि ब्रैकेट सही है या नहीं है, और ये बात लाजमी है या चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो देख के ना चले ना जाया करो, चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करो। तो मेरी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो सब भाइयों को पसंद आई होगी, आज की वीडियो का मैं एंड यहाँ करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।